नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सत्यप्रिया। संगीत के सात सुरों से सजा कर हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड इवनिंग इंडिया का आज का यह खास अंक। और अपने संगीत के सुरों में आज के अंक को बांधने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी विशेष मेहमान, सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायिका पद्मजा चक्रवर्ती जी। प्रतिष्ठित कलाकारों से संगीत सीखा, तो अलग अलग गुरुओं का क्या प्रभाव रहा आपके संगीत पर? देखिए, एक्चुअली हर इंसान का तो अलग अलग एक व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनैलिटी अलग होता ही है। तो उसी नजर से हम देखें तो गुरुओं का तो अलग पर्सनैलिटी होगा ही होगा। तो मेरा जो मैं खास करके मैं बोलूँगी, पहले मैं पंडित दीनानाथ मिश्र जी से सीखा है, उनसे मैंने पहले क्लासिकल का जो शुरुआत है, जो आइडिया है, उनसे लिया है। और इसके बाद मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में भी मैंने ग्रेजुएशन वो पूरा कोर्स किया है, बी म्यूज कोर्स किया है। वहाँ से मेरा फर्स्ट क्लास डिग्री भी, फर्स्ट क्लास रिजल्ट में आया है। और इसके बाद मैं आई हूँ, मैं सीख रही थी, मैं विदुषी सुमित्रा गुरु जी से, पद्मश्री सुमित्रा गुरु जी का बड़ा ही अवदान है मेरे संगीत के दुनिया में। उन्होंने मुझे बहुत कुछ हर प्रोग्राम में, हर कॉन्सर्ट में, हर जो
ये है दूरदर्शन भवन रेडियो हर जगह पे मुझे लेके जाती थी और उससे क्या हुआ मैं बहुत इंस्पायर हुआ करती थी और वहाँ से मेरा और भी मन में जगा कि मैं म्यूजिक करूँ और म्यूजिक और भी आगे लेके जाऊँ. पहले मैं इतना सीरियसली नहीं लिया था, बस शौक के तौर पे मैं सीखती थी, लेकिन इसके बाद मुझे लगा कि मैं और भी करूँ. मैं हर जगह देख के मुझे ऐसा लगा. तो सुमित्रा दी के बाद सुमित्रा दी से मैं काफी दिनों से सीखती रही. सुमित्रा दी के बाद मेरा मन था कि मैं ठुमरी सीखूं. ख्याल तो मैं सीख ही रही थी, मुझे लगा कि मैं ख्याल के साथ साथ थोड़ा ठुमरी भी साथ में सीखूं. तो प्रोग्राम में लोग ख्याल के बाद ठुमरी सुनना चाहते हैं कि थोड़ा ठुमरी सुना लीजिए. तो ठुमरी सीखना है तो मैं थोड़ा चाहती थी कि कोई सही एक कलाकार से मैं ठुमरी का शिक्षा लूँ. तो उसके साथ में पंडित समरेश चौधरी जी, वहाँ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट है रेडियो में हिंदुस्तानी क्लासिकल का, उनसे मैं अभी भी हिंदुस्तानी क्लासिकल का तालीम तो ले ही रही हूँ. उनका गायकी तो माशाल्लाह है, मतलब अभी भी मैं सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ क्या सुन रही हूँ, एक्चुअली मैं कभी ये पाऊंगी या नहीं, कोशिश में है. और साथ ही में विदुषी गिरजा देवी जो अभी दुनिया में नहीं है, मेरा मैं खुशकिस्मत इसलिए हूँ कि मैं मुझे कुछ दिन तो उनका साथ मिल गया. तो अप्पा जी से आपका ये साथ कैसे, आपकी आप उनसे मिली और किस तरह से उनका और आपका ये साथ बना, इसके विषय में जानना चाहेंगे. वो तो बहुत ही एक मैं अगर कहने जाऊँ तो पूरा दिन लग जाएगा और आपके पास समय बहुत कम है, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा आपको समझाने की. मैं पहले गई थी, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं अप्पा जी से सीख सकती हूँ. उन्होंने मेरा गाना सुना, फिर मुझे ले लिया. मैं अप्पा जी से कहा, अप्पा जी मैं ख्याल तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, लेकिन ठुमरी मैं कभी गाई नहीं हूँ, कोई आइडिया नहीं है मेरा ठुमरी का. तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास सीखना शुरू कर, देख. मैं कहा कुछ दिन मैं ठुमरी सीखती हूँ, फिर मैं जाके भी कहीं जाके मैं सुना सकती हूँ. तो फिर मैं ठुमरी लेना शुरू किया और मुझे लगता था मैं अभी गा नहीं पाऊंगी. सुन तो रही हूँ, आइडिया भी हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट करना एक अलग बात होता है. अप्पा जी हर बार पूछते थे कि सुना दे थोड़ा. मैं कहा अप्पा जी मुझसे नहीं होगा, और थोड़ा सुन लूँ फिर मैं सुनाऊंगी. ऐसे करके मेरा, और मैं दिल्ली से जाती थी तो सोच लीजिए मेरा एक महीने का गैप होता था बीच में. तो हर बार दो बार मैं गई, दो बार ही ऐसे किया कि मैं और थोड़ा सुन लूँ तो आपको सुनाऊंगी. फिर अप्पा जी को लगा कि कुछ तो करना चाहिए. फिर अप्पा जी ने मैं जून जुलाई में गई थी, तो जनवरी में उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ उत्तर पड़ा संगीत सम्मेलन में बैठ जाओ. उत्तर पड़ा वहाँ का बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन है, इतने लोगों के सामने, अप्पा जी के सामने ऑडियंस तो आपको पता ही है कैसा होता है. हर गाने में मुझे छुरा है गाने के लिए, ख्याल तो है ही, साथ में ठुमरी उनका सारा गाना. और ऐसे मैं इतने लोगों के सामने बैठ के ठुमरी गा लिया, तो मेरे कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ गई. तो आप अभी समझ लीजिए वो किस तरह के इंसान थी. किसी के अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए क्या करना चाहिए, वो अप्पा जी से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई जानते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है, गुरु की विशेषता भी है बहुत बहुत. अच्छा, तो आपने रामपुर सेनिया घराना, किराना घराना और बनारस घराना, इन तीनों घरानों के संगीत को सीखा, क्या अंतर नजर आता है और आपके संगीत पर इन तीनों का प्रभाव कैसा दिखता है? तीनों का अलग अलग स्टाइल है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी तरह मैं गाऊँ, सबको एक करके. जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल का अलग एक ढंग है और सेमी क्लासिकल का अलग ढंग है, बिल्कुल बिल्कुल ही बनारस का है. वो तो मैं अप्पा जी से सीखा है, तो वो बिल्कुल ही बनारस का है. तो बनारस का जो स्टाइल है उसके भी मैं, मेरा एक खुद का एक स्टाइल है, वो अप्पा जी का ही देन है. अप्पा जी बोलती थी आपके खुद के तरह गाओ, मैं तो गावे हूँ, मेरे से आप गाइडेंस लो और अपने खुद के तरह से आप इसको पेश करो. तो वो मेरा दिमाग में घुस गया है, मैं ख्याल में भी वही करती हूँ. मैं उन लोगों का गाइडेंस तो ले लिया है, लेकिन मैं जब गाती हूँ अपने ढंग से, अपने मन से, एक छवि मैं अपने मन से लेके आती हूँ और उसके हिसाब से मैं अपना एक छोटा सा सुन सकते हैं आपसे. ओके जरूर. राम पुरिया कल्याण
उपशास्त्रीय संगीत के लिए शास्त्रीय संगीत सबसे जरूरी है, क्योंकि आप शास्त्रीय संगीत नहीं सीखेंगी तो उपशास्त्रीय संगीत इतने अच्छी तरह से आप निभा नहीं पाएंगे। हाँ, कभी कभी हम देख भी लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत के बिना भी कोई कोई गा लेता है, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत ही रेयर। उसके ऊपर हम ना ही जाए तो अच्छा है। किसी का बहुत कोई टैलेंटेड है तो कर लेंगे, ऐसे बात ये तो अलग बात है। लेकिन हम शास्त्रीय संगीत सीखेंगे तो नोट, राग, कौन सा सुर क्या है, सब अलग अलग हम ग्रामेटिकली और गले में भी हम ये अच्छी तरह से ला सकते हैं और समझ सकते हैं। और कुछ चीज हम समझ के और सीख के और गले का तैयारी करके गाएंगे तो उसका फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। ठुमरी रत्न बोले और टप्पा, जैसे आप उपशास्त्रीय कुछ भी, गजल कुछ भी, तो आपको पहले शास्त्रीय संगीत का पूरी तरह से ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और शास्त्रीय संगीत जैसे थोड़ा बोल्ड है और हम एक रूल मान के चलते हैं कि शास्त्रीय संगीत इसी रूल से चलेंगे, रागदारी राग इसी तरह से जाता है तो हम इसी तरह से गाएंगे, ये नोट लगाना है तो ये नोट ही लगाएंगे, और वो दायरे में रह के हम क्या करते हैं राग का जो रूप ये हम बाहर लाते हैं हम जब प्रेजेंट करते हैं। लेकिन उपशास्त्रीय संगीत में जो राग रूप है वो हम तो लाते ही है, लेकिन उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम दो राग या कुछ भी हम मन से इसमें लगा सकते हैं हमारे एस्थेटिक सेंस के हिसाब से। हमारा एस्थेटिक सेंस जिसका जितना स्ट्रांग है उनका उतना ही अच्छा होता है ये उपशास्त्रीय।
तो राग के साथ आपका सेंस लगा के और बहुत ही माइल्ड और बहुत ही मिठास ला के आप, जैसे ठुमरी, ठुमरी तो मिठास की बहुत जरूरत है और भाव की जरूरत है, और ठुमरी ज्यादातर रोमांटिक मूड की होती है, तो उस हिसाब से आपको गाना पड़ेगा। तो एक ठुमरी सुन सकते हैं आप? जरूर। तभी आपको पता चल जाएगा, ठुमरी में जैसे भाव, मिठास, जैसे मीर के साथ सुर जा रहा है, राग तो है ही, उसमें भी राग है, टप्पा में भी राग है, लेकिन गायकी में बहुत फर्क है। टप्पा में बहुत ताम का ही है। अच्छा। और पूरा ताम के ऊपर चलता है ये, जैसे मिठास और मीर टप्पा में बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। अच्छा। तो मैं अब्बा जी से, क्योंकि अब्बा जी का टप्पा ही बहुत खासी है, बिल्कुल मैं अब्बा जी और थोड़ा कुछ दिन रह जाती तो मैं और थोड़ा टप्पा उनसे ले लेती, फिर भी मैंने उनसे टप्पा सीखा है, तो थोड़ा मैं एक छोटा करके आपको दिखाती हूँ टप्पा। Yeah.
ठीक है, अभी होली का मौसम है तो एक होली तो बनता है कई वैसे। अप्पा जी ने हर वक्त संगीत का जो लिरिक है उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है, तो इसका जो बोल है, आंखें भरत गुलाल रसिया ना माने दे, तो ये रसिया ना माने दे उसके ऊपर बहुत ना माने, हाँ, रसिया मान नहीं रहा, हाँ, तो उसके ऊपर जैसे वो गाती थी, हाँ, हम ना माने भी कुछ अलग तरह से कर देते थे, वो टोकती थी कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको जीना पड़ेगा संगीत में, कुछ भी आपने गा दिया ऐसे नहीं चलता। श्री राम भारती कला केंद्र में सिखाते हैं, यहाँ कई विदेशी बच्चे भी आपसे संगीत सीखने के लिए आते हैं, तो कैसा आपका अनुभव रहता है, आपको क्या लगता है कैसा उत्साह, कैसी रुचि रहती है विदेशियों में भारतीय संगीत को लेकर? मुझे तो कभी कभी लगता है कि विदेशियों में भारतीय संगीत के ऊपर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। मैं जैसे देखा भारतीय कला केंद्र में कितने विदेशी छात्र छात्र छात्राएं आते हैं और ये लोग कितना इंटरेस्ट लेके सीखते हैं, प्रणाम करते हैं, पूरा इंडियन कल्चर को अपना लिया है बिल्कुल। और भारतीय कला केंद्र में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, ये ऐसा इंटरेस्ट है सबका, और गुरु जी बोलते हैं, गुरु माँ बोलते हैं, मतलब पूरा हमारा जो पूरा इंडियन कल्चर, पूरा इंडियन संस्कृति पूरा उन्होंने ले लिया है, और ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये श्री राम भारती कला केंद्र का बात आपने छेड़ ही दिया है, तो मेरा एक कहानी छोटा एक मैं बताना चाहूंगी। श्री राम भारती कला केंद्र में जैसे मैं अप्पा जी शायद सब पहचानेंगे नहीं या पहचानेंगे शायद, फिर भी मेरा बताना मैं फर्ज समझती हूँ कि विदुषी गिरजा देवी जी को हम अप्पा जी कहते हैं, तो उनके उन्होंने कहा था कि ठुमरे सीख लो, और मैं सोचा था कि मैं ख्याल के बाद ठुमरे प्रस्तुत करूंगी, लेकिन ठुमरे उन्होंने ऐसे सिखा दिया है, एक तो मेरा ठुमरी का प्रोग्राम इसके बाद ही खूब तुरंत मुझे मिल गया है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली ठुमरी का प्रोग्राम। और श्री राम भारती कला केंद्र में मैं जब अप्पा जी के साथ, गिरजा देवी जी के साथ जब गाना गाने गई थी, तभी मुझे कहा गया था कि आप ठुमरी का सेमी क्लासिकल का क्लास कराओगे। अब श्री राम भारती कला केंद्र में सारे दिग्गज है, आपको भी पता है, उन लोगों को लगा
मुझे ये काबिल उन्होंने समझा कि मैं ठुमरी करा सकती हूँ बच्चों को. तो सोचिए कि अप्पा जी का कितना दिन है. आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे. होली के बाद चेहरे महीना महीना आता है और कहा जाता है कि होली में जितना मिलन के गाने हैं चैती में उतना ही विवाह है. और चैती का गाने में बहुत ही ये इसका जो मूड है बहुत ही सैड मूड का है. हाँ होता भी है मिलन का मूड भी होता है लेकिन मुझे जो पसंद है इसमें सैड मूड का जो चैती है वो मुझे ज्यादा पसंद है. और गायकी में वो सैड मूड बहलाना बड़ा मुश्किल है तो मैं कोशिश कर रही हूँ. हमारे और आपका भी समय आ गया है कि हम दर्शकों से विदा लें. आप यहाँ आई, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.